रातों रात कौन से कॉक से पैदा हो गए? ये धरती बंजर होके भी बुजदिल पैदा नहीं करती है। कौन क्या उखाड़ता है देख ले। तो फाइनली दोस्तों दशहरा और भोला ने अपने 9 दिन कंप्लीट करके 10वें दिन में एंट्री मार ली है और कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ नंबर सेट कर रहे हैं। दोस्तों आज जानेंगे कि पूरी दुनिया में कौन कितनी कमाई कर रही है, पहले दिन किसने कितना कमाया, ब्लॉकबस्टर हिट का टैग किसके पास है, कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप, किस मूवी को पब्लिक से अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करेंगे नेचुरल स्टार नानी के करियर की एक बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म दशहरा के बारे में। जी हाँ, दशहरा पहले दिन से अनएक्सपेक्टेडली 30 करोड़ की जबरदस्त कमाई करते हुए और पूरी दुनिया से अपने ओपनिंग डे में ही 38 करोड़ का कलेक्शन करते हुए एक बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी साबित हुई है आज डे 10 तक। जबकि साथ में भोला जैसी दिग्गज मूवी भी रिलीज हुई थी जिसका कॉन्टेंट भी सेम मासी है, फुल ऑफ एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, लेकिन धूल चढ़ा दी भोला को पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में और अभी तक के लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में। बता दूं तो श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में मात्र 65 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म दशहरा के सुपर ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली है। दोस्तों नानी के लीड रोल में बनने वाली दशहरा उनके करियर की एक बिग ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसमें आपको कीर्ति सुरेश और दीक्षित शेट्टी जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे। बात करें अभी तक इस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है, तो यस पहले 4 दिन में 87 करोड़ का बिग कलेक्शन किया था। वहीं दुनिया भर से इस फिल्म ने क्या रिकॉर्ड तोड़ नंबर सेट किया है, जी हाँ 108 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने फर्स्ट वीकेंड में बटोरा। बता दूं तो पूरी दुनिया में तमिल, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश भाषा में मूवी को रिलीज किया गया था और तमाम बड़े बड़े रिकॉर्ड साथ वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड को अपने नाम किया पहले दिन से ही। दोस्तों टाई 2 में किसी भी एक्टर की फिल्म 30 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग नहीं लेती है, लेकिन अल्लू अर्जुन, प्रभास और यश जैसे दिग्गज स्टार को सीधा टक्कर देते हुए इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली लगभग 38 करोड़ की पूरी दुनिया से। बात करें अभी तक का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना समेट लिया है इस फिल्म ने, तो यस कल अपने डे 9 में इंडियन बॉक्स ऑफिस से 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, साथ ही पूरी दुनिया से लगभग 3.5 से 4 करोड़ के आसपास नंबर सेट किया था। इसी के साथ कल तक का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 113 करोड़ के आसपास हो गया था। बात करें आज यानी डे 10 में कैसी ग्रोथ है इस फिल्म की, तो यस इंडियन बॉक्स ऑफिस से लगभग 3.25 करोड़ तक कमा रही है और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 5 करोड़ का आंकड़ा सेट करते नजर आ रही है और एंड ऑफ द डे शायद से शायद लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 118 करोड़ के आसपास पहुंचा देगी। बात करें दूसरी फिल्म यानी भोला के बारे में, तो यस इसे भी सेम डेट को रिलीज किया गया था दशहरा के साथ और अपने ओपनिंग डे से ही सरवाइव करते नजर आ रही है। वो कमाई नहीं कर पाई जैसा कि अजय सर की बाकी फिल्में करती हैं, लेकिन हाँ अपने दूसरे दिन से हर दिन आंकड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया अपने डे 5 तक। उसके बाद फिर नंबर स्लो डाउन देखने को मिले ही हैं। जी हाँ भोला को लगभग 100 करोड़ के बजट में बनाया गया है जिसका डायरेक्शन खुद अजय सर ने किया है, साथ ही मूवी को लीड भी खुद मास महाराजा अजय देवगन सर ने ही किया है। बता दूं तो मूवी साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी का रीमेक है जिसके लिए अजय सर ने मूवी में काफी चेंजेस करे हैं, VFX का सटीक इस्तेमाल किया है, एक्शन में धमाकेदार मसाला डाला है, विजुअल्स में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। दूसरा मूवी को पूरी दुनिया में लगभग 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था जिसने अपने ओपनिंग डे में ही लगभग 11 करोड़ का बिग कलेक्शन किया इंडियन बॉक्स ऑफिस से और साथ ही वर्ल्ड वाइड ओपनिंग भी अच्छी खासी ली थी। वहीं शुरुआती 4 दिन के वीकेंड में 44 करोड़ का कलेक्शन सेट कर दिया था। वहीं बिग डेज में भी अच्छी ग्रोथ करते हुए इस फिल्म ने पहले 8 दिन में लगभग 60 करोड़ के आसपास आंकड़ा टच कर लिया था। वहीं पूरी दुनिया से लगभग 78 करोड़ के आसपास आंकड़ा पहुंचा दिया था। बात करें कल्याणी डे 9 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यस लगभग 3 करोड़ का आंकड़ा टच किया था बॉक्स ऑफिस पर और आज अपने डे 10 में भी लगभग 28 लाख तक का एडवांस कलेक्ट करते हुए एंड ऑफ द डे लगभग में लगभग 3.80 करोड़ तक आंकड़ा सेट कर देगी और एंड ऑफ द डे लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 66 करोड़ के आसपास पहुंचा देगी। बात करें अभी तक के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यस 90 करोड़ तक आंकड़ा आज डे 10 तक पार कर लेगी। बता दूं तो दोस्तों मूवी को जबरदस्त स्टार कास्ट के साथ सजाया है अजय सर ने जिसमें आपको तब्बू, अमाला पॉल, संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों मूवी बहुत शानदार है, जिसने देख लिया उन्होंने तो मजा लूट लिया है, पर जिसने नहीं देखिए जाके जरूर देखो यार, ऐसा कंटेंट बार बार नहीं आता बॉलीवुड में। तो दोस्तों दशहरा और भोला दोनों फिल्म के सारे फिगर्स मैंने आपको सामने रख दिए हैं, अब आपकी बारी, या आप लोग बताएंगे कि कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई कर रही है, किस फिल्म को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है इन दोनों में से, सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ यार। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।